Yo, yo, what's happening, guys? My name is Yo. आप देख रहे हैं मेरे YouTube channel. Channel पे नहीं तो channel को subscribe कर दो, bell notification को all पे set कर दो, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो का आपको notification सबसे पहले चला जाएगा. तो वीडियो को शुरू से लेके अंत देखना, वीडियो में थोड़ा twist है. तो हेलो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं और आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट. माइनक्राफ्ट का फर्स्ट पार्ट है. वैसे तो मैंने 2-3 पार्ट बना चुका हूँ, पर फर्स्ट पार्ट ही समझ लो. तो आज हम क्रिएटिव में हैं, तो जल्दी से एक अच्छी सी जगह ढूंढ के एक मस्त सा अपना बेस बना लेते हैं. तो मैं आपको अच्छी सी जगह ढूंढ के मिलता हूँ गाइस. तो हेलो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं और मैंने इतनी सी जगह ढूंढ ली है और थोड़ी ठीक कर दी है, और मैंने अपनी सेटिंग थोड़ी बदल डाली है. मैंने अपनी सेटिंग कर ली है. तो चलो गाइस, बेस बनाते हैं. तो किसका बेस बनाते हैं? पहले कोबलस्टोन ले लेता हूँ. 1 कोबलस्टोन. कोबलस्टोन का बनाना है. पहले ये ग्लास ले लेता हूँ. पर गाइस, ये रहे कोबलस्टोन. कोबलस्टोन ले लिया मैंने. तो हेलो गाइस, चलो बनाते हैं. पहले ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बाद में अब लंबा करेंगे. पहले कॉर्नर कर लेते हैं. दरवाज़ा इधर नहीं होगा. चलो गाइस, तो चलो गाइस, तो हेलो गाइस, मैंने तो यहाँ पे बॉर्डर दे दी है. थोड़ी बॉर्डर वॉल कर देते हैं थोड़ी कवरस्टोन से. और गाइस, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, और वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना. तो अब गेम प्ले के आगे बढ़ते हैं. मुझको जैसी सेटिंग पसंद थी, और आपको माइनक्राफ्ट में FPP को TPP भी में कैसे करें वो चाहिए, तो मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा था पहले. वो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा. आप मेरे पहले से देखते होगे तो वीडियो, तो आपको पता होगा. और आप माइनक्राफ्ट तो खेलते होंगे. जो जो बंदा माइनक्राफ्ट खेलता है वो अपने कमेंट में बताना कि मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ. कमेंट्री अच्छी ना लगे तो प्लीज़ गाइस डिसलाइक मत करना, और कमेंट में गुड वर्क ऐसा नाइस कमेंट करके जाना. कमेंट अच्छी करो ना, बड़ा ये सब कमेंट मत करना. कई बंदे करते हैं, मुझको पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो गाइस, इतनी वॉल तो अच्छी है ना, बाद में आप मुझको कमेंट पे बताना कि मैं कितनी वॉल लगाऊं. तो चलो गाइस, हमारा यहाँ पे वॉल ख़त्म होने वाला है. क्रिएटिव में बना रहे गाइस, ये सर्वाइवल मोड. आपको चाहिए सर्वाइवल की सीरीज तो कमेंट में बताना कि सर्वाइवल की सीरीज चाहिए हमको. तो चलो गाइस, अभी के लिए तो अपने गेम के आगे बढ़ते हैं. मैं क्या सोच रहा हूँ, ऑटोमेटिक डोर वाला सिस्टम लगा देते हैं. गाइस 2 मिनट, 2 मिनट गाइस, मैं सब चीज़ लेती. तो हेलो गाइस, मैंने सब कुछ ले लिया है. ऑटोमेटिक डोर का सेंसर, तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे ऑटोमेटिक डोर का सेंसर लगाए. पर पहले हम अपना ये वाला काम निपट लेते हैं.
जल्दी से। और गाइस आप मेरे दोस्त की चैनल की यूट्यूब लिंक चाहिए आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ले लेना, जाके सब्सक्राइब मार के आना। अब देखो पूरा वीडियो गाइस, कैसे आपको ऑटोमेटिक डोर सेंसर लगाना है। ये तो मैं पाथ बना रहा हूँ, रास्ता। आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो दो प्रेशर प्लेट लगा दो। तो अब देखो, जो देखो, अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो बंद हो गया। अब मैं यहाँ से लगाऊँगा। अरे यार मैंने गलती कर दी। तो गाइस हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो मैं यहाँ से जाऊँगा, देखो खुल गया ना। ऐसे ऑटोमेटिक डोर का सेंसर लगता है। तो देख लिया गाइस आपने, यहाँ पे लग पाएगा क्या ऑटोमेटिक डोर का सेंसर? यहाँ से कभी होगा? हाँ, अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो देखो कैसे हो गया। पर पहले मुझको यहाँ पे एमरन ब्लॉक लगाए गए, बाद में यहाँ पे सेंसर। तो चलो गाइस मैं पूरा इसको तोड़ डालता हूँ, फिर एमरन ब्लॉक लगाना है इसलिए। तो बाद में मिलते हैं आपको गाइस। तो हेलो गाइस, मैंने ये सब कर दिया है और ये रहा हमारा ऑटोमेटिक डोर सेंसर। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।